आज के इस वीडियो में हम फिर से बेंजीडीन टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में खास बात यह है, आप देख सकते हैं सैंपल ए जो है जिसमें ब्लड की स्वैबिंग की गई थी, उस स्वैब को नॉर्मल रनिंग वाटर से वॉश किया गया है फॉर 5 मिनट्स, और सिमिलर टाइम पे जो स्वैब कलेक्ट किया गया था या ब्लड सैंपल स्वैबिंग के थ्रू जो कलेक्ट किया गया था उसे जो है सैंपल बी आप देख सकते हैं उसे वॉश किया गया है डिटर्जेंट से। वॉशिंग का टाइम जो है नॉर्मल सैंपल ए को जितने टाइम वॉश किया गया था उतने ही टाइम सैंपल बी को भी वॉश किया गया है, लेकिन सैंपल ए को नॉर्मल वाटर से वॉश किया गया है और सैंपल बी को जो है वो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके वॉश किया गया है। और जो लास्ट पॉजिटिव कंट्रोल सैंपल आप देख सकते हैं ब्लड मतलब उसमें नोन ब्लड सैंपल जो है वो रखा गया है और वो बिना किसी वॉशिंग के उसे लिया गया है। तो इसमें हम बेंजीडीन टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया था कि यदि क्रिमिनल क्राइम करने के बाद उसके क्लोथ्स पे यदि ब्लड लगा है और वो उसे वॉश कर देता है तो क्या वॉशिंग के बाद उस ब्लड स्टेन को डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल है? तो आज के इस वीडियो में वही आपको एक्सपेरिमेंटली मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है इन तीनों सैंपल पे 1 से 2 ड्रॉप हम बेंजीडीन रिएजेंट की डालते हैं। ये सारा जो सेटअप है जो सैंपल्स हैं वो वॉच ग्लास में आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऐसे आपने नहीं देखा होगा। उसका कारण मैं इस वीडियो पे एंड में आपको बताऊंगा कि मैंने वॉच ग्लास पे इन सैंपल्स को क्यों रखा है और फिल्टर पेपर को इतने छोटे छोटे पीसेस में क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद बेंजीडीन रिएजेंट ऐड करने के बाद इस पर जो है हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। आप देख सकते हैं कि तीनों सैंपल में जो है बेंजीडीन टेस्ट पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। इस सैंपल में भी आप देख सकते हैं ब्लू कलर जो कि नॉर्मल वाटर से वॉश किया गया है। सैंपल बी में भी आप देख सकते हैं जिसे मैंने डिटर्जेंट से अच्छे तरीके से वॉश किया था 5 मिनट के लिए, इसमें भी ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। और ये जो पॉजिटिव कंट्रोल था जिसमें वॉश नहीं किया गया था ब्लड को, डायरेक्टली लिया गया था सलाइन से मॉइस्ट करने के बाद में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंस ब्लू कलर दिया है। और इसे मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, इसमें कलर को मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर आप लोगों को जो है वो दिखाई दे रहा होगा। इसे डिटर्जेंट से मैंने वॉश किया हुआ था। यू कैन सी द ब्लू कलर। और सैंपल ए जो है इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा, आप देख तो सकते हैं ब्लू कलर दिख रहा है, ये देखिए इसमें जो बेंजीडीन रिएजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डल गया था, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। फिर भी आप ब्लू कलर जो है वो देख सकते हैं आसानी से। यस, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वॉच ग्लास पे सैंपल क्यों लिया है। वॉच ग्लास पे सैंपल लेने का कारण ये है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट में
कंपलसरी नहीं है कि वॉच ग्लास पे ही सैंपल को जो है टेस्ट करना है। ये मैंने इसीलिए लिया हुआ है ताकि ये नीचे जो पेपर की शीट है ये ख़राब ना हो। बेंजीडीन रिएजेंट जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है और पेपर की शीट हमें हर एक्सपेरिमेंट के लिए वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए वॉच ग्लास पर इसे लिया हुआ है। डायरेक्ट वॉच ग्लास पे भी परफॉर्म किया जा सकता था लेकिन कंट्रास्ट प्रॉपर हो इसीलिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया है। अब ये फिल्टर पेपर मैंने इतने छोटे पीसेस क्यों लिए हुए हैं, वो एक स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी पूछा था कि इसे नॉर्मल जो कॉपी के पेपर होते हैं, पेजेस होते हैं, उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते क्या? तो परफॉर्म किया जा सकता है लेकिन एरर्स को अवॉइड करने के लिए हम लेबोरेटरी ग्रेड जो पेपर्स होते हैं, खास करके जो फिल्टर पेपर्स होते हैं, यहाँ जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 42, तो ये इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी तरीके का एरर जो है वो टेस्ट में ना आए। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो परफॉर्म किया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद भी कपड़ों पर ब्लड स्टेन डिटेक्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि बेंजीडीन रिएजेंट जो है वो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। 4-5 ppm डाइल्यूशन में भी ब्लड को जो है ये डिटेक्ट, मतलब बेंजीडीन रिएजेंट की हेल्प से जो है उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा जो सैंपल बी है उसे वॉश किया हुआ था डिटर्जेंट से, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ तो क्लियर रिएक्शन आ रही है, लेकिन यदि कुछ ज़्यादा ही वॉश कर दिया गया है या बार बार वॉश कर दिया गया है तो उस कंडीशन का तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक के इसे वॉश किया हुआ था डिटर्जेंट में डिप करने के बाद में, तो भी इसमें जो है ब्लड के ट्रेसेस रहे होंगे जिससे कि बेंजीडीन टेस्ट ने पॉजिटिव कलर दिया है। और लास्ट तो कंट्रोल सैंपल था तो उसमें रिएक्शन आनी ही आनी थी। तो अब मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न थी या जिनके मन में ये डाउट था कि वॉशिंग के बाद भी बेंजीडीन रिएजेंट पॉजिटिव रिएक्शन देगा या नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए।